मैं समझाऊं, फिर से जनता ने हम में विश्वास व्यक्त किया, हमारी पार्टी में विश्वास व्यक्त किया, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूं। और ये भारतीय जनता पार्टी की जो कुशासन और बदहाली और इस इलाके के साथ अनदेखी करी है, उसका नतीजा है कि अब की बार 10 गुना ज़्यादा से यहाँ की जनता ने 45,000 की लीड से जिताया है। और इतिहास में पहली बार नूह विधानसभा से कोई लगातार जो है विधायक चुना गया है। ये अपने आप में इतिहास दोहराने के लिए मैं यहाँ की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूँ, और जो जिस तरीके से हमारे साथियों ने चुनाव लड़ा उनको मुबारकबाद देता हूँ। ये जीत जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, नूह की जनता की है। हरियाणा में जो सीट है कांग्रेस, अभी रुझान है और हमारी पार्टी ने कहा भी है कि शुरुआती रुझानों को अपलोड नहीं किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की साइट पे, वास्तविकता कुछ और है। अभी घंटे डेढ़ घंटे में आप देखेंगे इस तरीके से कांग्रेस हरियाणा में सरकार बनाएगी। अब सिर्फ आधिकारिक पुष्टि बाकी रह गई है, जीत चुके हैं तकरीबन 40,000 से ज्यादा वोटों पे। आपका अवध इस वक्त मेरे साथ, कितने वोटों का मार्जिन है आप ही क्लियर कर दीजिए। 45,000 से ज्यादा का विधानसभा से यहाँ की जनता ने हमें जिताया है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। पिछली बार कितना था जीत का मार्जिन? 4,000 से ऊपर था, 45,000 मतलब जंप किया आपने, बिल्कुल क्या वजह लग रही है, क्यों ऐसा? मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ की शासन और जो बदहाली के लिए जिम्मेदार है, जमानत जब्त हुई है सिटिंग मिनिस्टर की, तो आप देख सकते हो किस तरीके का जनता ने यहाँ जो है। अच्छा, कांग्रेस ने जो है इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाया है, उन्होंने ये साफ तौर बताया कि जो अपलोड किया जा रहा है वेबसाइट पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे, बहुत स्लो नतीजे आ रहे हैं। इसके पीछे क्या प्रशासन को दबाव बनाने की, या हरियाणा में? मुझे लगता है सबसे पहले हरियाणा में आप ही का नतीजा आया है, तो जीत की तरह। हाँ, आधिकारिक तौर पर अभी थोड़ी देर में होएगा, वैसे मतलब पूरी क्लियर हो चुकी, 14.5 राउंड की काउंटिंग होगी, 45,000 से ज़्यादा। और मैं समझता हूँ ये जानबूझ कर कहीं इलेक्शन कमीशन जो एक रुझान पूरी तरीके से बने, क्योंकि कांग्रेस जो है बहुत क्षेत्रों में आगे है, हमारे पास जहाँ से सूचनाएं मिलती हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट जो है वो स्लो कर डेलिब्रेटली कर रही है, जिससे कि ये दर्शाया जाए कि बीजेपी मुकाबले में, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस सरकार बनाएगी और इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेवारी को निभाएगी। एक सवाल है अहम आपसे कि शुरुआती रुझान में जब आंकड़े आने शुरू हुए तो कांग्रेस बहुत आगे चली गई थी, ये लग रहा था कि कहीं 75 पार ना हो जाए कांग्रेस, लेकिन बीच में जिस तरीके की आया, तो क्या वजह क्या लग रही है आपको, बीच में एकदम पलट हुआ? मैं समझता हूँ कि जान करा के जो है अपलोड नहीं किए जा रहे, रुझान अपलोड नहीं किए जा रहे, जो सूटेबिलिटी बीजेपी को है उसके हिसाब से इलेक्शन कमीशन का। शुक्रिया, देखिए आप।